क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्टिव प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कंकेव मिरर, मतलब ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेज गिवन है, ये दो न्यूमेरिकल हैं, पहले न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना लेना है 10, और दूसरे न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना लेना है 5। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है, कन्वेक्स है, रेडियस पॉजिटिव, जो कंकेव है रेडियस इसमें नेगेटिव होगा, तो फोकस भी इसमें, फोकल लेंथ भी इसमें नेगेटिव होगी, तो आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई नेगेटिव में -7.5। तो रेडियस गिवन है तो फोकल लेंथ भी गिवन है, एक आंसर। यू इसमें कितना गिवन है -10, यू -10, तो यू की जगह -10, फोकल लेंथ कितना -7.5, सॉल्व करके आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक, हैंड रिटन शीट के अंदर आएंगे, 112 नंबर शीट, अच्छा 112 नहीं होगी, नंबरिंग चेंज हो गई, 6 नंबर शीट, तो वी की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि वी नेगेटिव है तो इसका मतलब यू नेगेटिव है, वी नेगेटिव है, तो इमेज इज ऑन द सेम साइड, सेम साइड कौन सी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। सेम न्यूमेरिकल फिर से करना है एक बार, यू इस बार कितना लेना है -5, फोकल लेंथ तो आपको वही लेनी है, पर वी इस बार सॉल्व करके मिरर के फॉर्मूले में क्या देगा, +15, प्लस का मतलब ऑन दी ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड का मतलब वर्चुअल इमेज है, ठीक है यहां तक, ठीक। दो न्यूमेरिकल्स हैं, और अगर मैग्नीफिकेशन निकालनी है तो मैग्नीफिकेशन, जैसे इस केस में मैग्नीफिकेशन निकालनी है तो इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस इसमें कितना है 15, ऑब्जेक्ट का कितना है 5। मुझे साइन कन्वेंशन नहीं भी याद तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो मैंने याद करवाई थी कि नहीं करवाई, अभी साइन कन्वेंशन बता देता हूँ मैग्नीफिकेशन में क्या होती है। अदरवाइज वी अगर पॉजिटिव है, यू नेगेटिव है ना, तो यानी कि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज कभी भी उल्टी नहीं बनती, हमेशा सीधी बनती है, तो मैग्नीफिकेशन को तो पॉजिटिव आना ही है, तो 15/5 वैसे भी 3 आएगा, ठीक। अगर आप साइन कन्वेंशन भूल भी गए तो आपको ये तो पता ही है कि सीधी इमेज बनेगी तो नेगेटिव तो वैसे ही मैग्नीफिकेशन ही आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस क्वेश्चन को एक बार देखें, यू सिट इन अ पार्क्ड कार, यू ग्लांस इन द रियर व्यू मिरर आर इज इक्वल टू 2 मीटर एंड नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग। आप बैठे थे रियर व्यू मिरर में, देख रहे हो एक जॉगर आपके पास आ रहा है, इमेज दिख रही है आपको उसकी। इफ द जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5, तो जॉगर की स्पीड गिवन है, हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन जॉगर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 39 मीटर। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो यू आपको पता है कितना है 39, ठीक है यहाँ तक। तो आपको इसमें क्या गिवन है, आपको इसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है, जॉगर की स्पीड यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है, आपको इमेज की स्पीड बतानी है क्या होगी। तो आपको इसमें आर इसमें प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि मिरर इसमें क्या यूज होगा, कन्वेक्स, कन्वेक्स क्यों, रियर व्यू में तो फिर कन्वेक्स, ये कैसा रूल है, वर्चुअल इमेज बनाएगा और छोटी बनाएगा, क्योंकि हमें जो चीज़ों को छोटा देखना है, क्योंकि हमें व्यू ज़्यादा चाहिए, तो ये कन्वेक्स ही बनाएगा। तो इसमें R क्या होगा पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी क्या होगी पॉजिटिव, U क्या होगा -39। तो यहाँ पर फोकल लेंथ 1 पुट करके मिरर का फॉर्मूला लगा लेना, 1/F = 1/V + 1/U, सॉल्व करके, मैंने किया नहीं सॉल्व करना, V आएगा 39/40, कब, जब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है 39। अब ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर पास आ जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में उसकी डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो पहले डिस्टेंस कितना था 39, 5 पास आ गया कितना हो गया 34। फिर से न्यूमेरिकल सॉल्व करो, इस बार ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -34, फोकल लेंथ आपको पता ही है सेम है, फिर मिरर का फॉर्मूला लगाओ आपको इमेज का डिस्टेंस पता लगेगा। तो 1 सेकेंड में इमेज ने कितनी दूरी कवर की 1 सेकेंड में, ये पहले इमेज यहां पर थी, अब इमेज यहां पर है, दोनों को माइनस कर लो तो इमेज का डिस्टेंस आ गया कितना ट्रेवल हुआ, इसको 1 सेकेंड से डिवाइड कर लो, इमेज की स्पीड आ जाएगी। तो इमेज की स्पीड का मतलब क्या है, इमेज का डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो ये आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड से डिवाइड करोगे 1/280 मीटर पर सेकंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, हम करेंगे भी आज क्लास में, वैसे एक आइडिया देता हूँ इसको कैसे करना है। तो इसको करने के लिए ज़्यादातर ये यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंस में, नीट में, एनसीईआरटी में, तो मुझे पता नहीं मेन नीट में बहुत आता है ये एनसीईआरटी का ही आ भी सकता है, बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, आप ना सिंपली ऐसे क्वेश्चन में मिरर का फॉर्मूला लिख लें, लिख लिया, क्योंकि आपको इमेज और ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों तरफ कर दें डी बाई डी टी ऑफ 1/f, राइट साइड पे भी डी बाई डी टी ऑफ 1/v प्लस 1/u, ये जीरो हो जाएगा, फोकल लेंथ कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ वी रेज टू पावर -1, डी बाई डी टी ऑफ यू रेज टू पावर कितना -1, ठीक है यहाँ तक। तो इसके अंदर अब आपको क्या करना है, 0 इज इक्वल टू -1, वी रेज टू पावर -2 डी वी बाई डी टी, और यहाँ पर भी -1 यू की पावर -2 डी यू बाई डी टी, ऐसे कुछ, ठीक। तो इस टर्म को यहाँ लेके आ सकते हैं आप, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू -1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी -1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से काम करें, इसको इस तरफ ले आते हैं, 1 बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू -u स्क्वायर डी यू बाई डी टी, या फिर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू -v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी। ये रिलेशन आ गया किसका, ऑब्जेक्ट की स्पीड का और इमेज की स्पीड का। कई लोग ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, सिंपल बात ही खत्म, करने की जरूरत क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डिफ्रेंसिएशन करने की जरूरत क्या है, सीधा फॉर्मूला लिख लो, इमेज की स्पीड इज -v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ऑब्जेक्ट की स्पीड। अब क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की स्पीड आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 5 मीटर पर सेकेंड, जॉगर की स्पीड क्या थी 5 मीटर पर सेकेंड, पुट कर दो, यू आपको गिवन था कितना 39। लेकिन अब आपको एक काम करना पड़ेगा, साइड पे मिरर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें फोकल लेंथ गिवन है, वी आपको निकालना है, यू आपको कितना गिवन है -39, यहां से इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा वी, उस वी को आप यहां पुट करेंगे तो इमेज की स्पीड आएगी, क्योंकि यू 39 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या निकालना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा, पुट करके आंसर आएगा। ये ज्यादा आसान टेक्निक है डिफरेंस इस फॉर्मूले में पुट करना, क्लियर है यहां तक, तो इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। वैसे आज की शीट में क्वेश्चन मैंने आपको हैंड रिटन में करके दिया भी हुआ है, आज हम करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, आपकी हैंड रिटन शीट में इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आने वाले टाइम में भी 2-4 पेजेस छोड़ के ये आ जाएगा क्वेश्चन फिर से। तो समझ में आ रहा है लेकिन कैसे करना है, ये बढ़िया टेक्निक है और ये बहुत आता है पेपर के अंदर, ठीक, उसके अंदर कराऊंगा, क्या क्वेश्चन आता है उसी में देख लेना चाहिए। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर, ठीक। मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो आपको याद होगा हमने लेंस की मैग्निफिकेशन का भी टॉपिक किया था, हम मिरर्स की मैग्निफिकेशन का भी अलग से टॉपिक करेंगे। तो मिरर की मैग्निफिकेशन में हमने सबसे पहले कनकेव मिरर किया जिसमें 2 इमेजेस बनी, रियल एंड वर्चुअल। तो रियल के अंदर मैग्निफिकेशन क्या थी, जो वर्चुअल रियल बनती है हमेशा उल्टी बनती है और ऑन द सेम साइड बनती है, तो यानी कि H2 के आगे नेगेटिव उल्टी इमेज है, H1 पॉजिटिव, और ऑन द सेम साइड बनती है तो V भी नेगेटिव U भी नेगेटिव। तो आपकी मैग्निफिकेशन में इस नेगेटिव को यहाँ ले जाएंगे तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन रियल के केस में नेगेटिव होगी और रियल होगी, कन्वेक्स के केस में, वर्चुअल के केस में रादर, वर्चुअल में इमेज भी सीधी बनती है, ऑब्जेक्ट भी सीधा होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव, और इमेज और ऑब्जेक्ट ऑन दी अदर साइड होते हैं, तो इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन फिर से पर क्या आ गई -v/u, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अब दूसरी चीज, आप सिंपली एक चीज याद रखें, ये फॉर्मूला तो आपने याद करना ही करना है, आप इसमें ये याद रखें मैग्निफिकेशन रियल इमेजेस के लिए नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है तो मैग्निफिकेशन रियल की नेगेटिव है, और वर्चुअल हमेशा सीधी बनती है तो मैग्निफिकेशन वर्चुअल की हमेशा पॉजिटिव है। ये 2 फॉर्मूलाज याद हो गए, और ये फॉर्मूला प्लीज नोट कर लें, मीन्स इसको रिमेंबर करें, मैग्निफिकेशन का एक तो ये फॉर्मूला यू के साथ और मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला वी के साथ, इसको ना याद करें, सीधा ये याद करें।
तो मैग्नीफिकेशन वैसे माइनस वी बाई यू है, चाहे वो ऊपर दोनों न्यूमेरिकल देखेंगे तो मैग्नीफिकेशन मैंने जो फॉर्मूला बनाया ऊपर, आप चेक कर लें दोनों के अंदर मैंने चाहे रियल है चाहे वर्चुअल है, मैंने माइनस वी बाई यू ही बनाया। तो माइनस वी बाई यू है, और ये फॉर्मूला आप याद रखें जैसे हमने लेंस में भी किया था, फोकल लेंथ और यू और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, और मिरर के अंदर भी सेम है, फोकल लेंथ यू और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, फोकल लेंथ वी और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये याद रखें, जैसे ये क्वेश्चन देखें प्लीज। फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग निडल, तो ये हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव, इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, तो यू इज नेगेटिव 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स मिरर इज फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ प्लस 40, फाइंड पोजिशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ द निडल। तो अब सबसे पहले यू पता है, एफ पता है, मिरर का फॉर्मूला लगा लेना, 1/f इज 1/v प्लस 1/u, वहाँ से v निकाल लेना, v कितना आएगा प्लस 8। क्लियर है? तो U नेगेटिव V पॉजिटिव, यानी कि इमेज ऑन द अदर साइड है, ऑन द अदर साइड क्या बन गया, वर्चुअल। ठीक, नेक्स्ट है वर्चुअल है इरेक्ट है, आपको अब हाइट ऑफ इमेज बतानी है, तो मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला चाहे रियल चाहे वर्चुअल ये तो हमेशा ही चलेगा। H2 आपको निकालना है, H1 5 सेंटीमीटर है, V आपको प्लस 8 गिवन है, U आपको माइनस 10 गिवन है, सॉल्व करके क्या जाएगा H2 आएगा, H2 पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि वर्चुअल इमेज कभी उल्टी नहीं बनती, हमेशा सीधी ही बनती है। ठीक है यहाँ तक? तो अच्छी बात है ना, इसमें चाहे रियल है चाहे वर्चुअल है, मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला दोनों में सेम ही रहता है, बात ही खत्म। तो अच्छी बात है, इसी फॉर्मूले को लगाना है चाहे रियल चाहे वर्चुअल, अपने आंसर आते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें ये भी पार्ट है कि व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ द इमेज व्हेन नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर, मिरर से अगर दूर लेके जा रहे हो तो इमेज के साइज का क्या होगा। जब आप इमेज को दूर लेके जाते हो ना, आप सोचो मिरर पड़ा है, इमेज ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे हो, मान लो इन्फिनिटी पे ले गए, तो इन्फिनिटी से जब रेज आएंगी तो कहाँ पर मिलेंगी, फोकस, और फोकस का मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगी, फोकस तो पॉइंट ही बनेगा। तो ऐसे केस में यानी कि जब आप दूर लेके जा रहे हो, इमेज का साइज छोटा 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 होता जा रहा है और फोकस की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, और फिर एकदम फोकस पे पॉइंट बना देगा, और जब बहुत दूर चले जाएगा ऑब्जेक्ट रेज आनी बंद हो जाएंगी, फिर इमेज भी गायब हो जाएगी, एक बार फोकस पे आएगी और फिर गायब हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सर? हाँ जी सर, उस क्वेश्चन में v गिवन तो था नहीं, तो आपने 8 कैसे लिया इसमें? यस सर, इसमें v निकाला ना मैंने, ये रहा u की वैल्यू, मैंने कहा कि -10 है, f पता है, मैंने बोला मेरे का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, ये मैंने लगाया नहीं है, तुमने लगाना है, ऐसे सॉल्व करके आएगा सर। वो f अपॉन f माइनस u से नहीं आ सकता था? फिर मैग्नीफिकेशन क्या है, वो तो गिवन ही नहीं सर, है सर। h2 बाय h1 ले सकते हैं ना उसे? हाँ वैसे कर लो, इतना कॉम्प्लेक्स करना क्यों है, लेकिन यार जब u पता है f पता है v निकालना आ रहा है ना, मेरे को लगता है इससे आसान नहीं हो सकता कुछ, जब f पता है u पता है v निकालना है तो इससे आसान क्या, अगर इससे बिल्कुल सही है, ठीक है ना, उसमें गलती कर दोगे, उसमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज करोगे तो जितना अवॉइड कर सकते हो उसको अवॉइड करो, साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आ सकती है उसमें।
नहीं, वो कह ओके रहा है सर, मैग्नीफिकेशन को H2 बाय H1 पुट कर लेंगे ना। हाँ यार, H2 तो पता ही नहीं, वो भी कैसे लगेगा। सही बात है, तो वो फॉर्मूले में H2 तो पता ही नहीं लगेगा कैसे, वो भी नहीं लगेगा, यही लगेगा। इससे आसान तरीका ही नहीं है कोई। इस क्वेश्चन को देखना, और इस क्वेश्चन के अंदर ना ये डायग्राम में ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे नहीं है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर है, ऐसे है बस। ये ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही पड़ा हुआ है, ये मतलब है। आज जो तो देखो, इसमें एक स्क्वायर वायर है, स्क्वायर वायर की साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे पड़ी हुई है स्क्वायर वायर मेरे हाथ की तरह प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। कनकेव मिरर है और फोकल लेंथ 10, तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगी होगी। और ये कितनी दूरी पे है, 25, 25 का मतलब -25, तो यहाँ से सॉल्व करके मिरर का फॉर्मूला लगा के वी आ जाएगा, तो वी भी कहाँ पर बनेगा, ऑन दी सेम साइड। मैं स्टेप मिस कर रहा हूँ, इसमें शॉर्टकट लगा रहा हूँ, 1/f इज 1/v प्लस 1/u लगाना है आपने, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद वो कह रहा है कि वॉट इज द एरिया इंक्लोज बाई द इमेज ऑफ द वायर। तो इमेज का अगर आप मुझे साइड बता दो, कि ऑब्जेक्ट की साइड तो 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइड साइड ऑफ स्क्वायर 3 सेंटीमीटर है, जो इमेज बनेगी उसकी साइड कितने सेंटीमीटर है अगर आप मुझे बता दो, तो मैं उसका एरिया क्या निकाल सकता हूँ उसमें। तो एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज की साइड निकालनी पड़ेगी। तो इमेज की साइड निकालने के लिए काम करते हैं, वी आ चुका है, मैग्निफिकेशन लगा लो। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या करवाया था, -v/u, वी पता है, यू पता है, मैग्नीफिकेशन आ गया। और मैग्नीफिकेशन होती क्या है, H2 बाई H1। H1 आपको 3 सेंटीमीटर पता है, सीधा पॉजिटिव, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, H2। तो यानी कि इमेज यहाँ पर उल्टी बनेगी, उल्टी इसलिए वैसे भी बनेगी कि वी नेगेटिव है, वी नेगेटिव का मतलब इमेज ऑन द सेम साइड बनेगी, और सेम साइड रियल बनती है और उल्टी बनती है, तो सही है। H2 इसमें नेगेटिव आएगा, पर चलो मैग्नीट्यूड स्क्वायर का क्या आएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, एरिया 4 आएगा, तो 9 एरिया से 4 एरिया हो जाएगा, ठीक है यहां तक। इस क्वेश्चन को देखें, ए मिरर के अंदर फोकल लेंथ 10 है, तो +10 होगी, नहीं -10 होगी इसमें। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ सॉरी मिरर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। तो मिरर और दीवार का डिस्टेंस 35 है, हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट बताओ दीवार से कितनी दूरी पे हम रखें, तो यानी कि इस दीवार से ऑब्जेक्ट की दूरी बतानी है, क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ताकि इमेज इसकी कहां पर बने, दीवार पे ही बने, यानी कि वी कितना के बने, 35। तो इस क्वेश्चन में एफ कितना है, -10, वी कितना है, -35, तो मिरर का फॉर्मूला लगा लेना, 1/f 1/v प्लस 1/u, सॉल्व करके वी यू आ जाएगा -14 आंसर। लेकिन हमने ये जो 14 डिस्टेंस निकाला है, -14, हमने ये डिस्टेंस निकाला है कि ये 14 है, पर हमें डिस्टेंस कहां से निकालना है, दीवार से, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 35। तो ये क्या आएगा, 35 -40, तो वॉल से दूरी क्या आएगी, 35 -40, तो माइनस कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है यहां तक। इसका आंसर
object is placed at a distance of 40 centimeter on the principal axis of a concave mirror of radius 30. U negative है, R negative है, तो focal length भी negative है. तो mirror का formula लगा लेना, 1 by F, 1 by U, 1 by V, solve करके V निकाल देना, एक answer. अब वो क्या कह रहे हैं, भाई हाउ मच डज दी इमेज मूव, इमेज कितना मूव कर जाती है अगर ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर मिरर के मैं पास ले आता हूँ. तो पहले ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पास था, 40, मिरर से कितनी दूर था, 40, 15 पास आ गया, तो नया डिस्टेंस कितना आ गया, 25, पहले 40 था, 15 पास आ गया, तो नया कितना आ गया, 25. तो दूसरे केस में यू कितना हो गया, -25, फोकल लेंथ तो इट विल रिमेन सेम -15, तो मिरर का फॉर्मूला लगा के फिर से वी डैश आ गया. तो नया इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया, 37.5. पहले इमेज कितनी दूरी पे थी, 24. तो माइनस साइन को छोड़ो, माइनस का मतलब ऑन द सेम साइड है. पहले इमेज कितनी दूरी पे थी, 24. अब इमेज कितनी दूरी पे है, 37.5. दोनों को माइनस कर लेंगे तो इमेज के बीच में दूरी क्या आएगी, 13.5. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचना है इसमें? ठीक. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं डायग्राम फटाफट बना दूंगा और फटाफट ऐसे टेक्निक आ जाएगी, कोई नहीं आएगी, डायग्राम नहीं बना सकता कोई ऐसे. डायग्राम दो मिरर्स या किसी भी क्वेश्चन का डायग्राम हमेशा बाद में बनता है, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व होता है. पता होता है कि इमेज यहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी, छोटी बनेगी, उल्टी बनेगी, पहले न्यूमेरिकल फिर डायग्राम. तो ये सोल्यूशन है डायग्राम, लेकिन कैसे बना उसकी टेक्निक सिखाता हूँ. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 एंड कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30. तो एक कन्वेक्स है और एक कनकेव है और ऑब्जेक्ट मिड पॉइंट में इनके. तो इसका रेडियस पता है, इसका रेडियस पता है, तो इसका मतलब दोनों की फोकल लेंथ भी पता है. आगे, मिरर फेस ईच अदर एंड आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट. तो ये 50 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे, 25 और 25, मिड पॉइंट है 25 25. क्लियर. नेक्स्ट, फाइंड नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फर्स्ट एट कनकेव मिरर एंड देन कन्वेक्स मिरर. कहता है इसका डायग्राम भी बनाओ और बताओ कि इमेजेस कहाँ बनेंगी, लेकिन पहली रिफ्लेक्शन किस पे करवानी है, कनकेव पे. क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है पहली रिफ्लेक्शन कन्वेक्स पे हो जाए. उसने कहा पहली रिफ्लेक्शन कहाँ पे करवानी है, कनकेव पे. करें स्टार्ट. तो ये ऑब्जेक्ट है, सीधा रे डायग्राम नहीं बनेगा. आप बस ये बताएं कि इस मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, -25. इसकी फोकल लेंथ पता है क्योंकि कनकेव जो है, कनकेव मिरर का रेडियस 40 है, तो फोकल लेंथ 20 है, -20 है. तो फोकल लेंथ -20 है, ऑब्जेक्ट -25 है. तो आप मिरर का फॉर्मूला लगाना, 1/f इज 1/v प्लस 1/u. सॉल्व करके क्या निकालना, v1 निकाल लेना. v1 कितना आ गया, -100. मतलब कि आपकी जो इमेज बनेगी वो कहीं यहां, कहीं ये 50 है, यहां कहीं बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 100. क्लियर है यहां तक? ऑब्जेक्ट 50 पे है, इमेज 100 पे है, कोई डाउट इसमें? ये पता लग गया कि इमेज यहां पर बनेगी. यू नेगेटिव है -25, वी नेगेटिव है -100, यानी कि इमेज ऑन द सेम साइड बनेगी. ऑन द सेम साइड कौन सी बनती है, रियल, और रियल क्या बनती है, उल्टी. तो ये बन गई इसकी इमेज. पहला स्टेप क्लियर है. अभी सिर्फ आपको ये पता लगे है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है. इमेज का डिस्टेंस 100 है, -100 है, ऑब्जेक्ट -25 है. तो v बाय यू करेंगे तो आपकी इमेज की मैग्निफिकेशन 4 आएगी. मैग्निफिकेशन 4, v इसमें कितना है, v इसमें -100 है,
यू कितने 25 है, डिवाइड करेंगे तो अंदाजे से चार मैग्नीफिकेशन, तो इमेज यानी कि बड़ी बनेगी, तो ये इमेज बड़ी बनेगी इससे, ये भी क्लियर है। अब आप रे डायग्राम बना सकते हैं, तो रे डायग्राम कैसे बनता है, रे डायग्राम में हमने कुछ नहीं करना, एक रे यहां जाएगी फोकस से पास होती हुई यहां पे ऐसे, और एक रे नॉर्मल कुछ ऐसे बन गई इमेज। पर प्रॉब्लम ये है कि ये यहां पर वर्चुअली दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में रेज यहां आई टकरा के इधर जाएंगी, रिफ्लेक्शन यहां भी तो नहीं है ना, तो यहां तक ये डायग्राम क्लियर है यहां तक, तो ठीक है ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। अब जो सेकेंड मिरर है कन्वेक्स, उसके लिए ये कौन है ऑब्जेक्ट, और ये क्या बनाएगा इसकी इमेज। तो क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो 100 था, ये 50 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 50, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 50, राइट। फोकल लेंथ आपको कन्वेक्स की पता है, रेडियस पता है, तो फोकल लेंथ तो निकाल ही लोगे इसकी, पॉजिटिव वी निकाल लो वहां से। बस ये बता दो कि इसके लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी इमेज को ये क्या मान रहा है ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स में यू पॉजिटिव होते हैं। वैसे भी सबको पता है कि रेज टक्कर मारने के लिए इस तरफ आ रही है, इसे इस तरफ आ रही है, और ये डिस्टेंस भी इस तरफ मेजर किया जा रहा है, तो यू इज पॉजिटिव। तो इस कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यू इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ तो आपको गिवन है, इसमें वैसे ही पॉजिटिव लेंथ, मिरर का फॉर्मूला लगा लेना, 1/f इज 1/v + 1/u, v आ जाएगा प्लस में, प्लस का मतलब फिर से ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड ये रहा वो सेम साइड, राइट। और सेम साइड इमेज हमेशा रियल बनती है और उल्टी बनती है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज इसकी उल्टी बनेगी, यानी कि यहाँ पर सीधी बन जाएगी। तो ये डायग्राम है, और रे डायग्राम कंप्लीट करो, ये रेस टक्कर खा के यहां जा रही है तो यहां मिला दो, इसकी इमेज बन गई, ठीक है यहां तक। और इसमें वी जो है वो छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और वी छोटा है, तो मैग्निफिकेशन वी बाई यू है, तो ग्रेटर देन वन नहीं है, लेस देन वन है, इसका मतलब जो इसको ऑब्जेक्ट मान के हम इमेज बना रहे हैं वो इससे बड़ी नहीं बनेगी, इससे छोटी बनेगी। क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस सर। ये इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, इमेज सेम साइड पे उल्टी बनेगी, इस उल्टी का उल्टा सीधा, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये वाला होगा तो फिर फाइनल इमेज नीचे ही ये बनी ना, इसका उल्टा तो ये बनेगा ना, अगर ऑब्जेक्ट सीधा होता है तो रियल उल्टी बनती है, रियल इमेज तो रियल इमेज है ना यार, चाहे कन्वेक्स है चाहे कोई भी है, वो तो उसका रिवर्स कर देती है ना, ठीक है ना। हमें आदत है ऑब्जेक्ट सीधा लेने की, इमेज ऐसी बनाने की, पर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बन गई उल्टी हुई। वर्चुअल कहाँ है, ऑन द सेम साइड है, हाँ तो यू पॉजिटिव है, वी भी पॉजिटिव है ना, यू पॉजिटिव वी पॉजिटिव सेम साइड है, अच्छा रियल आएगी यार यहाँ पे, फिर वर्चुअल नहीं आएगा इसमें, हाँ, नहीं नहीं ठीक कह रहे हो। तो ये जो इमेज है इसकी, रुको रुको रुको, उसके लिए ये इमेज है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसने इसकी इमेज बनानी है, इसकी इमेज बनाई उसने, वी की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब प्रॉब्लम ये है कि सीधी बनेगी उल्टी बनेगी, सीधा उल्टा चेक करने के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा लिया, मैग्नीफिकेशन H2/H1 है, H1 नेगेटिव है, H1 नेगेटिव है ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्चुअल उल्टा है, तो ये साइन तो वैसे ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव, हाँ अब ठीक है, अब सीधा बनेगा मैथमेटिकली, अब सीधी बन गई। हाँ तो उल्टी तो है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे को है, तो अगर ऐसा किया तो फिर H2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, फॉर्मूला देखो, वर्चुअल इसलिए हुई क्योंकि एक्चुअल में रेज मिल नहीं रही ना, एक्चुअल में रेज मिल नहीं रही इसलिए वर्चुअल लिखा, एक्चुअल में मिलती तो रियल लिख देता, इसलिए वर्चुअल लिखा। और ये सीरीज इसलिए बनी क्योंकि मैंने ये चेक कर लिया, यहां पर वो दिखाया नहीं, मेरे को लगा वैसे समझ में आ गया, पर चलो ये चेक कर लिया, ठीक है।
नॉर्मल रूल से हटके है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को देखें। देखो ऑब्जेक्ट को, यहां पर दो मिरर्स हैं, प्लीज ध्यान से दो मिरर्स हैं, डायग्राम के चक्कर में नहीं पढ़ना आपने कैसा डायग्राम है, एक ये मिरर है और एक प्लेन मिरर है, दो मिरर्स हैं और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर है, इस कन्वेक्स मिरर से ये दूरी कितनी है 36 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन सो दैट द टू वर्चुअल इमेजेस सो फॉर्म कोइंसाइड। तो इसके बीच में प्लेन मिरर को डाल दिया गया, तो अगर ये 36 सेंटीमीटर है और प्लेन मिरर को कहां पर रखा, इन बिटवीन सो दैट टू वर्चुअल इमेजेस कोइंसाइड। ओके, कह रहा है कि इसने जो इमेज बनाई, अब इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी इमेज कहीं यहां पे बनाएगा ऑन द ऑपोजिट साइड, और ये जो मिरर है इसके लिए भी ऑब्जेक्ट है और अपनी इमेज वहीं बनाएगा जहां प्लेन मिरर बना रहा था, दे कोइंसाइड। तो दोनों मिरर्स इमेज एक ही जगह पे बना रहे हैं, राइट? ये क्वेश्चन में गिवन है, इफ प्लेन मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर और इसमें दूरी कितनी है 24, टोटल दूरी कितनी है 36, 36 में से 24 गया तो कितना आया, तो ये ठीक है 12 और 24, क्लियर है यहां तक, सही? तो आपको ये पता लग गया कि ये डिस्टेंस मिरर का और इस ऑब्जेक्ट का कितना है 24। तो प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे, तो ये कितना है 24। अब इन दोनों मिरर्स में डिस्टेंस कितना है 12, तो इसके पोल से ये दूरी कितनी है 12, ये भी क्लियर है यहां तक। तो आपको ये पता लग गया कि इस मिरर के लिए इमेज 12 सेंटीमीटर पे है, इसका रेडियस आपको गिवन है कितना, नहीं गिवन, क्या निकालना है इसमें, फाइंड दी, अच्छा रेडियस, रेडियस ही निकाल, रेडियस का मतलब क्या निकालनी है, फोकल लेंथ, और यू आपको पता है यू कितना है इसमें -36, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यू -36, वी +12, यहां से मिरर का फॉर्मूला लगा लेना और क्या जाएगी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आ गई तो रेडियस भी आ जाएगा, डन, ठीक है यहां तक, कैसे सोचना, क्लियर है, डायग्राम गिवन होगा, डायग्राम से ही वी और यू निकल जाएंगे इसमें। देखो इसमें ये डिस्टेंस कितना है 36 गिवन है, मिरर और ऑब्जेक्ट में कितना है 24 गिवन है, 36 में से 24 गया तो क्या आया 12 आ गया, यस सर, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये डिस्टेंस कितना है 24, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 24, ये डिस्टेंस 12 है, 24 में से 12 गया तो 12, ओके सर, ये लो।
ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, ठीक है. द इमेज फॉर्म इज 3 times साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन गिवन है. कैलकुलेट 2 possible डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. यू निकालना है. अब कन्वेक्स में 2 केस बनते हैं, रियल और वर्चुअल. रियल के अंदर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है, वर्चुअल में पॉजिटिव होती है. तो 2 केस सॉल्व कर लेना, मैग्निफिकेशन और यू वाला ये फॉर्मूला यूज कर लेना. पहले केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव और कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, यू निकाल लेना. दूसरे केस में वर्चुअल में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और एफ इज नेगेटिव, आंसर फॉर्मूला यूज करना है इसमें. और दोनों में क्या निकालना है, यू निकाल लेना. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट नेक्स्ट में ना ये रॉड है, ये रॉड ना काफी बड़ी बन गई मुझसे. ये रॉड सिर्फ इतनी की है बस, बस रेड वाली, ये कुछ नहीं, इतना बड़ा नहीं है, बस इतनी की है. लेंथ लेंथ ही है, हाइट नहीं है इसकी बस. अब करो क्वेश्चन सॉल्व. अ थिन रॉड ऑफ लेंथ कितनी, f/3, इज प्लेस अलॉन्ग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितनी, f. तो एक रॉड है जिसकी लंबाई f/3 है और वो यहां पर ऐसे पड़ी हुई है, और कनकेव का जो फोकल लेंथ है वो f है. सच दैट इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड, रियल तो मतलब उल्टी इमेज ही बनेगी, तो अगर ये थोड़ा ऊपर है थोड़ा ऐसे डायग्राम बनेगा, नीचे बनेगा. तो कह रहे हैं इमेज जस्ट टचेज द रॉड, यानी कि इमेज जस्ट टचेस का मतलब क्या है कि जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहीं पर उसकी इमेज भी कोइंसाइड कर रही है. एक पॉइंट दोनों का कॉमन है, तो जहां पर ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट है वहीं पर इमेज ही वहीं पर स्टार्ट हो रही है. और ऐसा तभी हो सकता है, हमने पहले भी किया था ये, कि जब ये डिस्टेंस कितना होगा 2f. नहीं किया तो याद कर लो कि जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है इमेज भी एग्जैक्टली 2f पे ही बनती है. मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है इमेज भी 2f पे बनती है, ये रिजल्ट नोट करना पड़ेगा. इसका मतलब जब आपको हिंट दे रहा है कि सी पॉइंट यानी कि ऑब्जेक्ट का ये वाला डिस्टेंस और इमेज का ये वाला पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, सी पॉइंट सेम है, ऑब्जेक्ट भी वही, इमेज भी वही, तो यानी कि ये सी पॉइंट की दूरी कितनी होगी यहां पर 2f. ठीक. अब वो कह रहा है कि मुझे ये डिस्टेंस बताओ, इमेज की लेंथ क्या होगी, ये निकालना है मुझे. अगर आप मुझे ये बता दो कि ए की जो इमेज है वो कहां बनी, ए मान लो ऑब्जेक्ट है, मान लो इस केस में ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस 2f है, ये f/3 है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या बनेगी 2f माइनस, तो ए के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया, तो आप इसकी इमेज निकालते हैं कैसे, ये देखो ऑब्जेक्ट 2f माइनस f/3 का नेगेटिव माइनस f/3, तो ये ऑब्जेक्ट की दूरी आ गई, फोकल लेंथ इसमें कनकेव की नेगेटिव, तो आप मिरर का फॉर्मूला लगाएं और वी निकालने नेगेटिव में आएगा, तो इमेज कहां पर बनेगी माइनस 2.5f. तो अगर इमेज a डैश, ये a डैश की बात हो रही है, a डैश कहां पर बना 2.5f,
5f. तो मुझे ये बताएं कि C पॉइंट की दूरी कितनी है, 2f. तो इमेज का साइज क्या बनेगा, इसमें से इसे क्या कर लेना है, माइनस. तो कितना आएगा, 0. आंसर. समझ में आ रहा है कैसे सोचना है इसमें? ठीक. तो आपने इसमें सिंपली क्या करना है, ए डैश का डिस्टेंस निकाल लेना है. यहां से क्या होगा, ए डैश के डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देना है, 2f. आपके पास इमेज की लेंथ आ जाएगी. ठीक है, यहां तक ऑनलाइन क्लियर है? यस सर. और जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दोनों ऑन द सेम साइड हैं. तो इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिवाइड करके क्या आएगा, 1.5. तो इमेज थोड़ी बड़ी बनेगी. तो इमेज की जो लेंथ बनानी है रॉड की, वो लंबी बनानी है 1.5 टाइम्स. नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन होती क्या है, सी ए डैश, सी ए डैश डिवाइडेड बाय सी ए. ठीक है, तो इसमें सी ए डैश भी नेगेटिव है, लेफ्ट है, सी ए भी नेगेटिव है, लेफ्ट है. तो मैग्निफिकेशन 1.5 मैं साइज में निकाल रहा हूँ. साइज समझ रहे हो, लंबाई कितनी है. मैं ऐसे नहीं निकाल रहा उल्टा और सीधा. वो नेगेटिव साइन तब काम आते हैं जब ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टी बन रही है, इरेक्ट या फिर इन्वर्टेड, उसमें वो रूल लगाओ. इस ये तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है ही नहीं, ये तो फिर से नया केस है. आप पुराने रूल्स कैसे लगा सकते हो इसके ऊपर? तो आप सिंपली इसमें इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिवाइड करके लेंथ निकाल सकते हो. लेंथ नहीं, 1.5 टाइम बड़ी आएगी ऐसे. देखो देखो देखो, दो केस हैं, फिर वही बात. इसने क्वेश्चन पूछा है, ये कह रहा है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी हाइट होती फिर आंसर क्या होता, फिर ये आंसर ऐसा ना बनता. ठीक कह रहा है, फिर ये ऐसा नहीं बनता, फिर इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता. सी सी के ऊपर तो सेम ऐसा सा बनना था डायग्राम, क्योंकि जैसे जैसे वी बढ़ता जाएगा, वी बाई यू की हाइट बढ़ती, मैग्निफिकेशन हर पॉइंट की डिफरेंट आएगी. हाँ, ऐसा बनेगा. तभी तो मैंने बोल दिया कि हाइट निगलेक्ट कर देना. हाइट निगलेक्ट करेंगे तो बस लंबाई लंबाई लेंगे तो बस सिंपल आंसर आ गया. लेकिन अगर अगर हम इसमें कुछ साइज लेंगे फिर उसके अंदर इस तरीके से करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी. आप इसे ऑब्जेक्ट मानेंगे एच वन, इसकी इमेज यहां बना लेंगे, एच टू यहां बना लेंगे, फिर दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, कोने कोने के पॉइंट को लेकर ज्वाइन कर देंगे, सीधा आंसर आएगा. ऐसा आएगा, क्वेश्चन आएगा अगली शीट के अंदर, अगले लेक्चर में क्वेश्चन करवाऊंगा, आ जाएगा. ठीक, बट पॉइंट समझ में आ रहा है, तभी मैंने इसकी हाइट को निगलेक्ट करने को कहा. ओके, नेक्स्ट है